जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बहुत ही न्यू जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, जो वर्ग तीन MP टेट वर्ग तीन का जो वो आवेदन है, वह आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र अब जारी हो चुका है। तो यह खुशखबरी बहुत ही अच्छी आई है कि जो आवेदन प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा जो नई जानकारी लेकर आए हैं वह इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सभी ग्रुपों में दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे सब ये लोग को यह पता चल सके कि यह जो नई जानकारी है वह क्या है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि वह क्या है। तो जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जो है वह आ चुकी है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है जो 6 जनवरी 2020 से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह रहेगी 20 जनवरी 2020। तो जो अंतिम तिथि है वह 20 जनवरी 2020 तक अंतिम तिथि है, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 6 जनवरी 2020, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वह है 25 जनवरी 2020। तो जो PEB परीक्षा शुल्क है वह किस प्रकार होगी, तो हम परीक्षा शुल्क के बारे में भी आपके लिए बताने जा रहे हैं कि वह किस प्रकार लगेगी। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल MP के मूल निवासियों के लिए, तो जो है वह 250 रुपये, और जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये यह लगेगी। और विभागीय शुल्क में जो अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे इनको 100 रुपये लगेगी, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो रहेंगे अभ्यर्थी उनको 50 रुपये लगेगी। और जो कुल है वह कितनी हो जाएगी, तो कुल जो अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे उनकी 600 रुपये हो जाएगी, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यह पूरी 300 रुपये फीस हो जाएगी। तो इस प्रकार जो फीस है वह हो जाएगी 600 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, और जो 300 रुपये होगी वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए। तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन, तो इस जो ऑनलाइन आवेदन है वह QSK के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। तो जो ऑनलाइन जो आवेदन भरेंगे तो जो MP पोर्टल से वो 60 रुपये उसकी फीस होगी, और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन पर कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये होगी। तो इस प्रकार जो शुल्क लगेगी जो फॉर्म भरेंगे तो 60 रुपये और 20 रुपये। नोट, MP शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक F1/179/2018-21 भोपाल क्रमांक और 3/1/2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क व बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। अब है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, तो वह किस प्रकार होगी समय सारणी, तो जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति जो समय सारणी होगी वह कुछ इस प्रकार होगी। तो परीक्षा दिनांक एवं दिन, परीक्षा की पाली, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय और उत्तर अंकित का समय। तो इस प्रकार होगी परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो जो है वह 25 अप्रैल और फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पाली होगी, और प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक होगी, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय दिया जाएगा वह दिया जाएगा 8:50 से 9 बजे तक। 10 मिनट का जो महत्वपूर्ण जो निर्देश पढ़ने का समय आपके लिए दिया जाएगा, और उत्तर अंकित का समय है वह दिया जाएगा आपके लिए 2.5 घंटे का, 9 से 11:30 बजे तक जो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा उत्तर अंकित का समय। और जो द्वितीय जो सेकंड शिफ्ट होगी इसमें 12:00 से 1 बजे तक जो अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दिया जाएगा, और
1:50 से 2 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा सेकंड शिफ्ट में 10 मिनट का, और जो उत्तर अंकित का समय होगा वह है 2 बजे से प्रायः 4:30 बजे तक। तो इसका जो 2.5 घंटा जो है होगा वह उत्तर अंकित का समय दिया जाएगा। तो अब तो जो यह समय सारणी है वह समय सारणी हो गई है, और अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो आप पढ़ना देखना ना भूलें इस वीडियो में। तो दोस्तों जरूर पूरा वीडियो देखें, तो जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं वह कुछ इस प्रकार होंगी। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। दूसरी जो टिप्पणी है वह बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा, तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी टिप्पणी है वह कुछ इस प्रकार है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल्य परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना भी अनिवार्य होगा। तो यह सब चीज़ें आपको अभ्यर्थी के लिए नियम पुस्तिका में निश्चित मूल्य परिचय के रूप में ले जानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार चौथी टिप्पणी है, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं दी जाएगी। तो आपको परीक्षा के कुछ समय 1 घंटे या 1/2 घंटे पहले ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप बाद में पहुंचेंगे तो आपको परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार अगली टिप्पणी है कि परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, तो आपको यह सब चीज़ नहीं ली जानी पड़ेंगी परीक्षा कक्ष में। अगला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो आप जब भी परीक्षा देने जाएंगे तो आपको प्रवेश पत्र ले जाना बहुत ही अनिवार्य होगा, नहीं तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदक पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PEB द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी। तो इस प्रकार है, तो आप आगे बढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020, तो विषय सूची क्या होगी, तो आप विषय सूची देख लें, इसमें अध्याय जो है विवरण है, पृष्ठ क्रमांक है, तो इस प्रकार होगी, इसमें मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 नियम, तो इससे 3 से 4 होंगे। और दूसरा है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी जो नियमावली होगी वह 5 से 18 होगी। और जो तीसरा है, परीक्षा का पाठ्यक्रम है होगा 19 से 26, और प्रारूप फर्स्ट, तो प्रारूप फर्स्ट में आदर्श प्रश्नों उत्तर पर आपत्ति हेतु आवेदन, और 27 प्रारूप सेकंड होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक, तो 28। तो इस प्रकार होंगे, और जो पात्रता परीक्षा संबंधी नियम होंगे वह आपको इस प्रकार होंगे, कुछ जो पात्रता परीक्षा के जो नियम हैं वह इस प्रकार आप देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे नियम हैं जो आपको उनका पालन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में पात्रता परीक्षा में
कार्य अंग प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहरकारी अंक 60% होगा। तो इस प्रकार भी आपको यह महत्वपूर्ण जो नियम है यह भी आपको देखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। तो खंड का में क्या है निर्देश, तो इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। अगला है जो आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। और जो अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग संस्था या भर्ती संबंधी विभाग द्वारा यथास्थिति नियुक्त करने की पूर्व आदेश अनुसार किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कुछ महत्वपूर्ण है वह भी आप देखना ना भूलें। परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री, तो जो परीक्षा हाल में जो आवश्यक सामग्री है वह आपको क्या ले जाना है, तो वह है बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन और उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु, फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। तो और अगला है जो लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, तो यह महत्वपूर्ण सुविधा है यह भी आप पढ़ना ना भूलें। अगला है जो वह है क्या है मूल्यांकन पद्धति, त्रुटि प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण है और इसमें जो उदाहरण है इस उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला है प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन, तो इस प्रकार कुछ अभ्यावेदन होगा। तो अनुसूचित साधन इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होंगे वह भी आप उनका पालन करना ना भूलें। और आगे चलते हैं इसके बाद जो PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सारी PDF उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर PDF हम उपलब्ध कर देंगे। तो इस प्रकार आगे चलते हैं और क्या है महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा जो परीक्षा शुल्क लगेगी उसको हम आगे पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार अगला है आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने का प्रदेय शुल्क। तो आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क कितनी लगेगी, तो 20 रुपये, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल पर लगेगी 40 रुपये। यह बात भी आपको याद रखना है, तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना आपको जिससे आपके लिए यह शुल्क देना पड़े और दोबारा संशोधन करना पड़े। परीक्षा शहर निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहरों केंद्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित है, अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार अभ्यर्थियों को भी वंचित परीक्षा शहर के स्थान पर परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लें यहाँ से कुछ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, तो वह भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भी हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं, तो भाई भी आप देखना ना भूलें। तो इस प्रकार होंगी कुछ अध्याय 3 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम इस प्रकार होंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के होंगे, और भाषा प्रथम से आएंगे 30 नंबर के, ये भी 30 प्रश्न होंगे, और भाषा द्वितीय से भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और गणित से भी 30 क्वेश्चन 30 प्रश्न के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, और पर्यावरण से भी 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। इस प्रकार कुल जो परीक्षा सेट होगा वह होगा 150
क्वेश्चन होंगे इसमें और 150 नंबर का पेपर होगा। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इस प्रकार जो बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, हिंदी साहित्य से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से और संस्कृत भाषा से, उर्दू भाषा से, इस प्रकार गणित से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आप यहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो यहाँ से पीडीएफ से देख सकते हैं। और यहाँ से जो कुछ पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं, तो यह जरूर पूरा वीडियो आप देख लें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हम जो भी इसका संबंध में जो भी न्यू जानकारी आई, हम हर जानकारी के लिए आपके आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में दोस्तों को शेयर करें जिससे अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। बहुत ही न्यू जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जानकारी हमने आपके लिए बताई है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। तो यह वीडियो कैसा लगा आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।